दोस्तों, इस दुनिया में आपने बहुत सारे जीव यानी कि स्पीसीज देखे होंगे। यहाँ तक कि हम इंसान भी एक टाइप के स्पीसीज है। साइंटिस्टों ने अभी तक 8.7 मिलियन एनिमल स्पीसीज का पता लगाया है। उनमें से लायंस, शार्क्स, टाइगर्स और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जिन्हें हम पाल नहीं सकते और इन्हें फायर्स कहा जाता है, मतलब जो बहुत ही खतरा होता है। और दूसरी तरफ ऐसा स्पीसीज है जिन्हें हम पाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेबिट, डियर, डॉग, कैट और बहुत सारे ऐसे टाइप के स्पीसीज, और इन्हें एडोरेबल स्पीसीज कहा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारा स्पीसीज ऐसा भी है जो बहुत ही कम पाया जाता है। आज आपको इस वीडियो में 7 ऐसे अजीबोगरीब स्पीसीज के बारे में पता चलेगा जो हमारे पृथ्वी पे मौजूद है। लेकिन इन सब स्पीसीज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो में और भी मज़ेदार चीज़ें जानने को मिलेंगी। नंबर 7 पे आता है ग्लास फ्रॉग। जैसे कि आप देख ही सकते हो, इस फ्रॉग को देखने से लगता है कि इसका पूरा बॉडी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लास से बना हुआ है। बहुत सारे ऐसा फ्रॉग्स होता है जो लाइट ग्रीन कलर के स्किन में देखा गया है, लेकिन कुछ कलर के कमी से इस फ्रॉग के नीचे का हिस्सा पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, जहाँ पे उनका ऑर्गन्स दिखाई देता है। उनके पीछे कुछ स्पॉट्स होता है जो साइंटिस्ट अनुमान लगाता है कि वो स्पॉट्स उनके अंडे से मिलता जुलता है, जो शिकारियों के जाने के बाद वो फ्रॉक्स उनके बच्चों को जन्म देता है। ये फ्रॉक्स कास्टारिका या पानामा में पाया जाता है, स्पेशली कास्टारिका टोर्टिगियर्स नेशनल पार्क में दिखा जाता है। नंबर 6 पे आता है पांडा एंट। अब आपने तो पांडा को देखा ही होगा। इस चींटी को भी देखने से पांडा के जैसा लगता है। जिस तरह से पांडा के शरीर पे सफेद और काले रंग का स्पॉट होता है, ठीक उसी तरह इस चींटी के शरीर पर भी ऐसा है, जो बहुत ही क्यूट लगता है। इसके मासूमियत से आप इस चींटी को कम मत समझना, क्योंकि ये चींटी वास्तव में भालू से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये पांडा एंट सिर्फ शाइल और अर्जेंटीना में पाया जाता है, और इनमें से जो फीमेल चींटी होता है उनका तो पंख भी होता है और साथ में नोकीले स्टिंग भी होता है। तो अगर आपको शाइल या अर्जेंटीना पे ऐसा पांडा चींटी देखने को मिल जाए तो आप उसे क्यूट बोल के उठा मत लेना। नंबर 5 पे आता है सी पेन। ये जीव आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इस जीव का नाम है सी पेन, और ये जीव एक समुंदर में पाया जाने वाला जीव है। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये पार्ट आपको पुराने जमाने के ओल्ड फैशन पेन के जैसा डिजाइन दिखेगा। ये सी पेन जब एक साथ ग्रुप में रहता है तब समुंदर के ऊपर पार्ट से ब्राइट ग्रीन कलर का लाइट जलता हुआ दिखाई देता है। देखने से लगता है कि किसी ने पहले से समुंदर के नीचे लाइट ऑन करके रखा हुआ है। इस प्रकार का जीव स्पेशली स्पेसिफिक ओशन में मिलता है, जो कैलिफोर्निया के गल्फ ऑफ अलास्का पे स्थित है। ये सी पेन पानी पे 40 फीट गहरा तक रहता है, और इन्हें ढूंढ के निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 4 पे आता है सैतानिक लीफ टेल गीको। अब इसको देखने से लगता होगा कि ये एक डाली में सूखा हुआ पत्ता है, लेकिन ये कोई पत्ता नहीं है। ये असल में एक चिपकली है जिसका नाम सैतानिक लीफ टेल गीको है, और ये जीव मादागास्कर आइलैंड में पाया जाता है। इस लिजर्ड का टेल पूरा सूखा हुआ पत्ते के साथ मैच करता है। इसका बॉडी भी हूबहू पूरी तरह सूखा हुआ पत्तों के तरह होता है। देखने से लगता है कि नेचर ने किसी सूखी पत्ते में नर्व्स और खून का गठन कर दिया है, और ये लिजर्ड इसके बॉडी और पूंछ से हमारे आंखों में धूल दे सकता है। नंबर 3 पे आता है लीफी सी ड्रैगन। आपने तो सी हॉर्स का नाम सुना ही होगा, जो हम इसे कहते हैं। लेकिन आप इसे देखिए, ये भी सम टाइप ऑफ सी हॉर्स की तरह है, पर देखता अलग है, और इसका नाम है लीफी सी ड्रैगन। ये सी ड्रैगन स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साउथ और वेस्ट कोस्ट के समुद्र में मिलता है। ये जीव तकरीबन 8 से 9 इंच तक लंबा होता है, और इसके बॉडी पे जो मस्कुलर पार्ट है वो पत्तों के जैसा दिखाई देता है, जो उन्हें समुद्र पे तैरने के लिए मदद करता है। नंबर 2 पे आता है पेंगोलिन। इस जीव का नाम है पेंगोलिन, और ये जो आप देख रहे हो जो इसके बॉडी के ऊपर अटैच्ड है, इसे केराटिन स्केल्स कहते हैं, जो बहुत हार्ड होता है, जो उनके स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक मेमल्स है जिसके पास ऐसा फीचर्स है। ये जो केराटिन स्केल्स होता है, इसके मदद से ये पेंगोलिन बॉल के जैसा रोल भी कर सकता है। ये पेंगोलिन बड़े बड़े गड्ढे या मिट्टी में होल करके रहता है, और जब बात खाने की हो तो ये पेंगोलिन सिर्फ एंट्स और टर्मिट्स को खाता है। टर्मिट्स का मतलब ये जो इंसेक्ट्स आप देख रहे हो, इसे टर्मिट्स कहते हैं। शायद आपने देखा भी होगा, चाइनीज का एक ट्रेडिशन है कि वो लोग इस पेंगोलिन को मार के उसके मीट और केराटिन स्केल से मेडिसिन बनाते हैं। नंबर 1 पे आता है स्टिक इंसेक्ट। अब ये भी बड़ा अजीब किस्म का जीव है। ये जीव भी बिल्कुल सैतानिक लीफ टेल गीको की तरह लगता है। इस स्टिक इंसेक्ट को ढूंढने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि ये स्टिक इंसेक्ट किस प्रकार का दिखता है। स्टिक इंसेक्ट का भी एक खासियत है कि वो लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठ सकता है, वो भी बिना हिले। इस स्टिक इंसेक्ट का पूरा नाम है जायंट प्रिकली स्टिक इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट ऑस्ट्रेलिया पे पाया जाता है। इस इंसेक्ट का बॉडी भी सूखी पत्तों के जैसा है, जिसके चारों तरफ कांटों के जैसा लगा हुआ है, और इसे वर्ल्ड का सबसे लंबा इंसेक्ट माना जाता है। अब आपको इन सारे क्रिएचर्स में से कौन सा क्रिएचर्स अजीब लगा,
हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे इस अनहर्ड फैक्ट्स फैमिली पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑल पर सिलेक्ट करके ऑन कर लेना। उसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को खोल के शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।